bismillahir rahmanir rahim dear students today we are going to learn unit number 6 the name of the unit is materials and objects materials and objects look around you you will see lots of things both big and small कि अपने आसपास देखें आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी जिनमें बहुत बड़ी चीज़ें भी होंगी और छोटी भी होंगी सम थिंग्स आर कलरफुल अदर्स आर नाट कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत रंगीन होंगी कलरफुल होंगी और कुछ होंगी जो ऐसी नहीं होंगी सम आर हैवी एंड सम आर लाइट कुछ बहुत वज़नी होंगी और कुछ बहुत हल्की होंगी सम आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग कुछ जानदार चीज़ें होंगी जैसे हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा कि वो बढ़ती हैं और कुछ ऐसी होंगी जो बेजान चीज़ें होंगी वी कैन पुट थिंग्स इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ शेप वेट आर टेक्स्चर हम क्या कर सकते हैं हम इनके ग्रुप्स बना सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं उनके साइज़ के मुताबिक उनकी शेप के मुताबिक उनके वेट के मुताबिक उनके टेक्सचर के मुताबिक मतलब ये कि उनका साइज़ भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा लेकिन जो ग्रुपिंग हम करेंगे उसमें हम साइज़ पे फोकस रखेंगे शेप देखेंगे कि उनकी सेम हो या मिलती जुलती हो उसके वज़न को देखेंगे और उसकी बनावट को देखेंगे ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट शेप के ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साइजेस मुख्तलिफ़ हैं यहाँ पे एक हमारे पास पेंसिल है और यहाँ पे ये एक हमारे पास होम है मतलब ये कि इनकी शेप भी डिफरेंट हो सकती है इनके साइज़ भी डिफरेंट हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट टेक्स्चर्स रफ़ स्मूथ हार्ड सॉफ्ट मतलब ये कि मुख्तलिफ इनका टेक्स्चर हो सकता है इनको जब हम छूएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो रफ़ उनकी सरफेस है उनकी सतह जिसपे हम हाथ फेर रहे हैं स्मूथ है बहुत नरम नरमोलायम है हार्ड है या फिर सॉफ्ट है मतलब ये कि हर एक जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो टेक्स्चर होगा या उसे छूने से हमें पता चलेगा वो दूसरे से मुख्तलिफ है ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट वेट्स हैवी लाइट जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये मशीन है और यहाँ पे हमारे पास ग्लासेस हैं तो दोनों के वेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है मटेरियल्स ऑल ऑफ़ द ऑब्जेक्ट्स वी सी अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स पहले हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं चीज़ें होती हैं हल्की भी भारी भी मुख्तलिफ़ उनके साइज़ शेप और टेक्सचर होता है अब यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के मेटी चीज़ों से मिलकर बनते हैं जैसे हमारे आस पास और इनको हम क्या कहते हैं मटीरियल इन पिक्चर अबव यू कैन सी लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कि इस पिक्चर में इस तस्वीर में आप ढेर सारी चीज़ें देख सकते हैं जैसे हमारे पास टेबल है चेयर है यहाँ पे हमारे पास ड्रॉर हैं टेबल बना हुआ है उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक बोर्ड है एक नोटिस बोर्ड है और यहाँ पे हमारे पास एक कबर्ड सी है जिसमें बुक्स भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे पेंसिल्स भी हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो ये क्या हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं द ब्लैक बोर्ड इज़ मेड ऑफ वुड तस्वीर में जो ब्लैक बोर्ड है ये किससे बना है लकड़ी से बना है द चेयर आर मेड ऑफ मेटल आर वुड मेटल और वुड की बनी हुई हैं एंड द बुक्स आर मेड ऑफ़ आ पेपर और जो किताबें हैं वो पेपर से बनी हैं वट इज़ द डेस्क मेड ऑफ डेस्क किस से बना है डेस्पी वुड से ही बना है सम मटेरियल्स आर नेचुरल फॉर अदर्स आर मैन मेड कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि कुदरती होते हैं दूसरे जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं मतलब ये कि उनको इंसान ने बनाया होता है नेचुरल मटेरियल्स में देखें जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टोन्स हैं वाटर है फ्लावर्स हैं ट्रीज़ हैं और उनसे हासिल होने वाली वुड है तो इनमें से कोई भी चीज़ इंसान ने नहीं बनाई तो इसको हम नेचुरल मटेरियल कहेंगे अब यहाँ पे देखें स्टील है रबड़ है प्लास्टिक ग्लास पेपर ये क्या है मैन मेड मटीरियल्स है ये चीज़ें जो हैं ये इंसान ने बनाई हैं लेकिन नेचुरल मटेरियल्स को ही यूज़ करके ये नेचुरल मटेरियल है और ये मैन मेड मटेरियल्स हैं Using material, the materials which come from plants, animals, or from under the ground are called natural material. कि ऐसा material जो कि हमें प्लांट्स से हासिल होता है एनीमल से होता है और underground ज़मीन की अंदर से हमें मिलता है उसको हम कहते हैं नेचुरल मटीरियल द थिंग शोन बिलो आर मेड ऑफ नेचुरल मटीरियल्स यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये नेचुरल मटीरियल की बनी हुई हैं जैसे पेंसिल मेड ऑफ वुड पेंसिल वुड से बनी है तो वुड क्या है नेचुरल मटेरियल है हैमर मेड ऑफ मेटल एंड वुड हैमर में मेटल यूज़ हुई है और साथ में वुड तो ये क्या है नेचुरल मटेरियल है जैकेट मेड ऑफ ऑफ जैकेट लेदर से बनी है और लेदर हमें एनिमल से मिलता है इसलिए ये नेचुरल मटेरियल है ज्वेलरी मेड ऑफ़ गोल्ड सिल्वर एंड पीशियस स्टोन्स यहाँ पे ज्वेलरी है जिसमें गोल्ड यूज़ हुआ है सिल्वर है और कीमती स्टोन्स हैं तो ये क्या हैं ये नेचुरल मटेरियल हैं अब बाउल मेड ऑफ़ क्ले एक बाउल है जो कि मिट्टी से बना है तो मिट्टी क्या है नेचुरल मटेरियल है मटीरियल्स विच हैव बीन मेड बाई पीपल यूजिंग नेचुरल मटीरियल्स आर कार्ड मैन मेड मटीरियल्स कि ऐसा मटीरियल जो कि इंसान बनाता है लेकिन यूज़ करता है नेचुरल मटीरियल को उसको हम मैन मेड कहते हैं द थिंग शोन बिलो आर मेड ऑफ मैन मेड मटीरियल्स यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो मैन मेड मटीरियल से हैं लेकिन मैन मेड मटीरियल में भी जो मटीरियल यूज़ हुआ है वो नेचुरल है थिंग्स मेड ऑफ़ प्लास्टिक यहाँ पर प्लास्टिक की कुछ चीज़ें हैं जो मैन मेड हैं बिल्डिंग मेड ऑफ़ कंक्रीट टाइल्स एंड ब्रिक्स बिल्डिंग है जिसमें कंक्रीट टाइल्स और ब्रिक्स इस्तेमाल हुई हैं वी कैन यूज़ द सेम मटीरियल टू मेक डिफरेंट थिंग्स वुड इज़ नेचुरल मटीरियल वुड क्या है नेचुरल मटीरियल है इसको हम यूज़ करते हुए ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं प्लास्टिक इज़ मैन मेड मटीरियल प्लास्टिक क्या है ये मैन मेड मटीरियल है और इससे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखें हमें नज़र आ रही हैं ग्लास इज़ मैन मेड मटीरियल शीशा जो है वो भी मैन मेड मटीरियल है और इससे हम डिफरेंट काइंड्स की थिंग्स बनाते हैं प्लास्टिक एंड ग्लास आर मैन मेड प्लास्टिक इज़ मेड आ फ्राम नेचुरल ऑयल एंड ग्लास इज़ मेड आ फ्राम नेचुरल सैंड के प्लास्टिक नेचुरल ऑयल से और जो ग्लास है वो नेचुरल सेंड से हमें मिलता है लुक एट दिस थ्री स्पोन्स दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक मेटल एंड वुड जैसे कि यहाँ पे ये यह हमें नज़र आ रही हैं